नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, में हूं पिनास त्यागी। किसान आंदोलन भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश के सबूत सामने आए हैं। न्यूज नेशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया है, वो सबूत हासिल किए हैं जो इस बात को बताते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रची गई। हम आपको पूरी साजिश की तस्वीर दिखाएंगे, उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा सनबर्ग ने भारत के खिलाफ एक और भड़काऊ ट्वीट किया। ग्रेटा ने जो नए दस्तावेज शेयर किए हैं उसमें लोगों से दिल्ली के बॉर्डर पर जुटने की अपील की है, उसमें भारत विरोधी बातें लिखी हैं, आंदोलन को ग्लोबल बनाने की बातें कही हैं। नए ट्वीट में भारत सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। नए दस्तावेज से 26 जनवरी को प्रदर्शन की बात हटा दी गई। आपको बता दें, ग्रेटा सवालों के घेरे में आई थी जब 26 जनवरी के प्रदर्शन की बात कही गई थी और यह खुलासा हुआ था कि सरे से ये साजिश के तार जो हैं वो जुड़ते नजर आ रहे थे। ग्रेटा थनबर्ग और ब्रिहाना किसान आंदोलन के नाम पर वैश्विक प्रोपेगेंडा ग्रुप से जुड़कर भारत को बदनाम कर रही हैं, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट ने इसकी पोल खोल कर रख दी है। कैसे, ये हम आपको दिखाएंगे। दरअसल इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की किताब जब खुली तो किसान आंदोलन की आड़ में जो साजिश रची जा रही थी उसकी परत दर परत खुलती चली गई, उसके सबूत सामने आए। आपको दिखाते हैं आखिर उस ट्वीट की वो पांच बातें कौन सी थी जिसने इशारा किया ग्रेटा थनबर्ग ने एक साजिश रची है और उन्हें एक्सपोज किया। आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन के नाम पर कैसे इंटरनेशनल साजिश की तैयारी की गई थी। भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के दो बड़े चेहरे पॉप सिंगर रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भारत को बदनाम करने वाले इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा टीम के ये वो दो बड़े खिलाड़ी हैं जो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। ग्रेटा थनबर्ग के भारत विरोधी एजेंडे की पोल खुद उनके ट्वीट से ही खुल गई और ग्रेटा थनबर्ग की इन काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा न्यूज नेशन के पास है। तीन फरवरी को तड़के 1:34 पर किए गए ग्रेटा थनबर्ग के इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में ग्रेटा किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखा रही है, लेकिन इसी दिन शाम 5:19 पर किए गए ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट ने किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अपने इस ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो यहाँ टूल किट है। टूल किट का यही लिंक दिल्ली में 26 जनवरी को हुए दंगे की हर साजिश का पर्दाफाश कर देता है और इस साजिश में शामिल देश विदेश के उन चेहरों से भी नकाब हटा देता है। ग्रेटा थनबर्ग ने जो लिंक शेयर किया था उसमें उसने साफ लिखा है कि आप कैसे इस प्रोपेगेंडा को ज्यादा प्रभावी तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे। हालांकि पोल खुलते ही ग्रेटा ने लिंक शेयर करने वाली ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन दुनिया के सामने ग्रेटा और ग्रेटा जैसी उन प्रोपेगेंडा टूल्स का भी पर्दाफाश हो गया। जिन्होंने एक ओर साजिशन किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया और दूसरी ओर वैश्विक मंचों पर भारत को बदनाम करने की साजिश का जाल बुना, लेकिन अपने इसी जाल में साजिश करने वाले खुद फंस गए। अब आपको एक एक कर दिखाते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो लिंक शेयर किया उसमें किसान आंदोलन की प्लानिंग के साथ ही 26 जनवरी से पहले दिल्ली हिंसा का खाका कैसे खींचा गया था और इनका पहला हथियार था सोशल मीडिया, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट कर तूफान लाने का मंसूबा था। जो गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया उसमें लिखा था, ग्लोबल ट्वीट स्टॉर्म में शामिल हो 23 जनवरी और 26 जनवरी, वक्त शाम 5 बजे से 7 बजे। इसके साथ ही कैप्शन और हैशटैग भी शेयर किए गए थे, जैसे हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स, हैशटैग आस्क इंडिया वाई, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट, ट्वीट बैंक के लिए यहाँ ट्वीट करें। यहाँ यूजर को सिर्फ लॉगिन करना था और ट्वीट के लिए सरकार विरोधी टेक्स्ट पहले से ही तैयार था। किसान आंदोलन से एकजुटता दिखाने के लिए किसको टैग करना है उसके लिए भी सोशल मीडिया अकाउंट शेयर किए गए थे, जैसे टैग करने वाले अकाउंट @PMO, @UNDP, @UNFAO, @XRebellionInt और @PMOIndia, @UNDPIndia, @TimeStrolly। स्टेट हेड को टैग कर
IMF और वर्ल्ड बैंक WTO को टैग कर। साजिश के ये पन्ने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और इन लोगों का नापाक मंसूबा भारत के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री पर ट्वीट्स की बारिश करने का था। तो वहीं वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं में भी भारत की छवि खराब करने की योजना थी। अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कैसे ग्रेटा ने ट्वीट के जरिए यह भी बताया कि भारत सरकार पर किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भेजने के लिए बाकायदा ईमेल आईडी भी दी गई थी। किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शन करने वाली तस्वीरें वीडियो ईमेल करें scrapfarmacts@gmail.com पर मेल करें। यह तस्वीरें 25 जनवरी तक भेजें। डिजिटल स्ट्राइक #AskIndiaWhy के साथ फोटो वीडियो मैसेज 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट कर दिए जाएं। यानी 26 जनवरी से काफी पहले से ही भारत सरकार के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक की पूरी तैयारी थी, लेकिन साजिश की इस किताब के कई और पन्ने हैं जिनके खुलते ही इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा की पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश हो जाता है, जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से साझा कर दिया और भारत विरोधी पूरी मंडली दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। भारत की बदनामी करने वाले इस दस्तावेज में लिखा गया था, ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में भाग लें, 26 जनवरी ग्लोबली कोऑर्डिनेट एक्शन का दिन, जहां भी मौजूद हो वहां से समर्थन करें, भारतीय दूतावास, सरकारी दफ्तर या उद्योगपतियों के दफ्तर पर प्रदर्शन करें, किसानों का समर्थन कैसे करना है, फोटो और वीडियो कैसे शूट करना है और कहां कहां विरोध करना है, इसकी भी डिटेल इस टूल किट के लिंक पे दी गई थी और उसका शीर्षक था प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के और भी तरीके। हैशटैग भी तय था, #StandWithFarmersSolidarityVideo। लैंडस्केप मोड में वीडियो रिकॉर्ड करें, सॉलिडारिटी मैसेज वाले पोस्टर या कार्ड लेकर तस्वीर लें। वीडियो तस्वीरें कंपाइल कर प्रोटेस्ट साइट पर दिखाई जाएंगी। 26 जनवरी को सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाएंगी। सिर्फ 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर ही यह इंटरनेशनल साजिश नहीं रची गई थी, बल्कि भारत के इन दुश्मनों की फरवरी की भी फॉरवर्ड प्लानिंग तैयार थी। ग्रेटा की साजिश की किताब में लिखा था, 4-5 फरवरी को ट्विटर पर तूफान लाएं, किसानों से एकजुटता दिखाने के लिए फोटो वीडियो शेयर करें, सॉलिडारिटी मैसेज 5 फरवरी तक भेजें, आखिरी दिन 6 फरवरी का होगा। scrapfarmact@gmail.com स्थानीय प्रतिनिधि संपर्क करें, ऑनलाइन पिटीशन साइन करें। 13-14 फरवरी को भारतीय दूतावास, सरकारी दफ्तरों के पास ऑन ग्राउंड एक्शन। जाहिर है भारत के दुश्मनों की देश और विदेश में प्रदर्शन की योजना थी, लेकिन उनके नापाक मंसूबों का ये काला चिट्ठा लीक हो गया और सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा रहा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया को साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जैसी हस्तियों को विदेश मंत्रालय ने सख्त जवाब दे दिया है। भारत ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। दूसरी तरफ ब्लॉक ट्विटर अकाउंट दोबारा शुरू करने पर भी केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। जब पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश बेनकाब हो रही है, तो क्या वक्त आ गया है कि विपक्षी पार्टियों को भी साथ आना चाहिए, सामने आना चाहिए, क्योंकि जो भी मसला है, जो भी लड़ाई है, हमारी अंदरूनी लड़ाई है। अगर विदेशी ताकतें इसमें किसी भी तरह का अपना फायदा देखेंगी, किसी भी तरह से हमारे मुल्क में अगर उपद्रव फैलाने की कोशिश करती हैं, तो ये वक्त है एकजुटता दिखाने का। इसी पर चर्चा करेंगे। नवीन कुमार हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र राजपूत जी, सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे इंटरनल मैटर्स को लेकर, ऐसे इनपुट्स भी हैं कि कुछ लोग इस आंदोलन की आड़ में उपद्रव फैला सकते हैं, दंगे फैला सकते हैं, देश की अस्मिता संप्रभुता से समझौता कर सकते हैं। विपक्ष अभी भी हवा दे रहा है, ना कि इस मामले में सरकार के साथ खड़े हो रहा है। पिनाज मसानी जी, आप तो स्वयं एक बड़ी प्रस्तोता हैं और आपने तो सारी चीजें देखी हैं। कल राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी। राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी बाहरी शक्ति का हमारे अंदरूनी हालात का विरोध करते हैं। स्पष्ट रूप से हम किसी बाहरी शक्ति के पक्ष में नहीं है और कोई बाहरी शक्ति हमारे अंदरूनी हालात पर कोई टीका टिप्पणी ना करे। ये बहुत स्पष्ट कांग्रेस का स्टैंड डे फर्स्ट से था, है और रहेगा, एक चीज। लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरी बात भी देखिए ना कि एक किसी इंडिविजुअल के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अभूतपूर्व कदम उठाया। कभी आज तक सरकारों को छोड़कर के किसी एक इंडिविजुअल को अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जवाब दे रहा है, तो यह जवाबदेही सरकार की है कि सरकार इस तरीके से उन लोगों को लेजिटिमाइज कर रही है।
सरकार इस तरीके से उन लोगों के उस प्रोपोगंडा कैंपेन का समर्थन नवीन कुमार जी से जवाब ले लेती हूँ। नवीन कुमार जी, गलती तो आपकी है, कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई थी लोगों ने तो उसपे भी बहुत थूथू की थी हिंदुस्तान की कई सेलिब्रिटीज ने, यूएस ने तो जवाब नहीं दिया था, उनके विदेश मंत्रालय ने तो कोई टिप्पणी नहीं की थी, आप लोगों को क्यों रिहाना के ट्वीट पर टिप्पणी करने की नौबत आ गई आपकी सरकार को? सही कहा पिनाज, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सुरजेवाला साहब वो कांग्रेस के ऑफिशियल मीडिया हेड हैं और रिहाना पर ट्वीट करते हैं, उसमें शायद मेरे प्रवक्ता साथी नहीं देखते होंगे, सीधे आदमी कई बार नहीं भी देख पाते होंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप लगातार एक साजिश के तहत, वो साजिश जो पूरे के पूरे एक इस प्रोपेगेंडा को चला रही है जिसके अंदर आईएसआई और खालिस्तान के लोग शामिल हैं, और ये साजिश उन्हीं के लोगों ने एक्सपोज कर दी है, और ये साजिश जब दुनिया ने देख ली है, सबके सामने आ गई है किस तरह से भारत के विरोध में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, तो उस समय जो तमाम विपक्षी दल हैं जिनका राजनीतिक जमीन है उनके पास नहीं है, तो कम से कम सकारात्मक राजनीति तो करनी चाहिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सुरेंद्र राजपूत जी के सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि क्या एक सरकार का विदेश मंत्रालय किसी सेलिब्रिटी के ट्वीट पर रिएक्शन करता है? क्या अमेरिका को लेकर कितने ट्वीट्स किए थे जब कैपिटल हिल में तमाशा हुआ था? खिलाफ मैं पिनाज वही कह रहा हूँ कि किसी भी हम तो खुद ही उनको तवज्जो नहीं दे रही है सरकार। षड्यंत्र करने वाले लोग, मेरा ये कहना सब, मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी देश के खिलाफ षड्यंत्र करने की साजिश रचने में कोई भी शामिल हो, और वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं जिसके कारण से देश के अंदर लाखों लोग उसके साथ जुड़ रहे हो, उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा हो, चलिए उसको जवाब नहीं देना चाहिए। जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा उनसे एक न्यूट्रल टिप्पणी लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी का अपना पक्ष होगा, आपकी अपनी दलील होंगी, लेकिन डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, ठीक है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, सामने आ रहे हैं तमाम सबूत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जो बात सुरेंद्र राजपूत जी ने बीजेपी के लिए जो सवाल उठाया है कि क्या ये सही है कि आप किसी सेलिब्रिटी के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय टिप्पणी करें? नहीं, मेरे हिसाब से किसी सेलिब्रिटी की टिप्पणी को इतना सीरियसली अगर भारत सरकार ले रही है ना, उनको और उनको किसानों की बातों को सीरियस लेना चाहिए, जो उनके भाई हैं, उनके देश के रहने वाले हैं, उनकी कुछ नाराजगी है तो उसको सीरियस लेना चाहिए। भारत के कृषि मंत्रालय को आगे आना चाहिए, तमाम भारत सरकार को आगे आना चाहिए। ये जो सेलिब्रिटी, देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा कि ग्लोबली कहीं ना कहीं हम इंटरकनेक्टेड हैं। अगर अमेरिका में कोई घटना होती है तो यहाँ के कुछ लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाती है। आप ब्लैक लाइफ मैटर के ऊपर तमाम जो भारत की बहुत सारी संस्थाएं हैं उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया, या कैपिटल हिल की जो घटना है उसको लेकर के भी कहीं रिएक्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है ये जाल में फंस रही है, ये अपनी नाकामी का जो ठीक रहा है ये कहीं ना कहीं दूसरों देशों के ऊपर के लोग इसके साथ इसकी निंदा करिए ना। नवीन जी, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है उसमें फंस गई है भारत सरकार। नवीन जी, मैं वही कर इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा में क्या विपक्ष के लोग, अरे सतीश जी आप क्यों निंदा करते हो, इसी चैनल से शुरुआत करिए, आप करिए निंदा जिन लोगों ने इस पर ट्वीट किया, जिन लोगों ने भारत के बीच में आए, आप निंदा करिए सुरजेवाला की जिसने इसके ऊपर रिएक्शन किया, आप निंदा करिए उन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया, आप क्यों नहीं कर रहे? मेरी बात सुनिए, कब करोगे, कब करोगे? आप उन लोगों के साथ खड़े हो, आप उनसे सवाल पूछिए ना कि किसान आंदोलन में किस प्रकार से आप विदेशी एजेंटों को लेकर आए, आपको नहीं पूछना चाहिए, आपको नहीं पूछना चाहिए। अरे किसी अपने देश की बात करो ना, आपके देश हमारे देश के खिलाफ, हम दोनों देशों, हम दोनों के देश के खिलाफ कोई आदमी प्रोपेगेंडा कर रहा हो, पूरे विश्व के अंदर भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहा हो और उसके मोहरे किसान आंदोलन का नेता बन रहे हो, तो आपको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? राकेश टिकैत उस पर रिएक्ट करते हो रिहाना के केस रिहाना पर, या और कांग्रेस नेता उस पर रिएक्ट करते हो, आप उसको निंदा करनी चाहिए? चलिए ये वक्त राजनीति का नहीं है, वक्त राजनीति का नहीं है, यहाँ पर सवाल यह है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो भारत सरकार अपने तमाम इंटेलिजेंस इनपुट से, ये सरकार का दायित्व बनता है कि अमन और शांति बनाए रखे, लेकिन विपक्ष क्या इस तमाम मुद्दे पर, जब बार बार खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि जिस तरह के हालात हैं हालात और ज्यादा विभत्स हो सकते हैं, उसके बावजूद भी क्यों विपक्ष जो है वो इस आग को हवा दे रहा है? ये सवाल सुरेंद्र जी आपसे भी पूछूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।
तो आंदोलन पर ये जो ग्लोबल साजिश एक्सपोज हुई है, इस पर क्या वक्त आ गया है कि विपक्ष भी अब सरकार के साथ खड़ा हो, क्योंकि आंदोलन में अराजक तत्वों के घुसने, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए खालिस्तानी जो तत्व हैं उनके भी इस आंदोलन के बेजा इस्तेमाल करने की आशंकाओं से भी इनकार नहीं कर रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसी। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से भड़काऊ बयान, जिस तरह से लगातार वहां पर गाजीपुर पर आज भी हरसिमरत कौर पहुंच जाती हैं और नेता जो हैं मार्च अलग अलग निकल रहे हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट कहता है कि मामला बहुत संवेदनशील बना हुआ है, खालिस्तानी तत्व, इंटरनेशनल एजेंसीज मौके का फायदा उठा सकते हैं भारत की शांति को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है हमारी अपनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन वक्त नहीं होना चाहिए जहां पर थोड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स देखने को मिले? दोनों पक्षों से कह रही हूं पिनाज जी, मैं फिर से कहूंगा कि आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि 70 दिन से आंदोलन हो रहा है, आपको कहां से हिंसा की खबर आ रही है? ये जो इनपुट्स के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही है, देखिए कोई भी साजिश है किसी भी तरीके का, हम नवीन जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा सम्मान दिल पर आप भी हाथ रख के बता दीजिए ना, ठीक है 70 दिन तक जब हिंसा नहीं हुई पूरा देश इस आंदोलन के साथ खड़ा हुआ था, 26 जनवरी को कुछ हुआ उसने अंदर तक हिलाकर रख दिया देश की आन बान शान के प्रतीक लाल किले पर, जो कुछ हुआ उसने अंदर तक मन में सहन पैदा कर दी। आपको आपने विषयांतर किया, लेकिन मैं इसका भी जवाब दे देता हूं आपको पिनाज जी। सच बात यह है कि 26 जनवरी में 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए थे, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और उसमें से 50 से 100 ट्रैक्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीप सिद्धू और कोई लखा था उनको सरकारी संरक्षण में ले जाकर के लाल किले को जो बेइज्जत किया है और जिस तरीके से हमारे संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेइज्जत किया है और शर्मसार किया है, उसके खिलाफ पूरी तरीके से। और ये साजिश जो भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, इस साजिश का जवाब मिलेगा। और दीप सिद्धू आज तक दीप सिद्धू से सबसे ठीक है भारतीय जनता पार्टी करा रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ये कह रहे हैं इसके राष्ट्रीय नेताओं ने क्यों लिखा? आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो सेलिब्रिटीज कर रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी करा रही है और ना ही ग्रेटा से करा रही। नहीं नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं, रेहाना से और ग्रेटा से भारतीय जनता पार्टी कोई ट्वीट नहीं करा रही, लेकिन रेहाना के और ग्रेटा के ट्वीट के साथ में, अरे नवीन चुप रहिए यार, आप बीच में बोलते जा रहे हैं, मैं आपको बीच में नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको, फिर मत बोलो, आप अपनी बात ही नहीं रखने देना चाहते हैं। केवल इतना क्या है ये पिनाज, ये कोई तरीका है बहस का? नहीं नवीन जी, एक बार जवाब ले लें फिर आप भी जवाब दीजिए। बहस का तरीका है, मेरे को केवल इतना सा जवाब कि रेहाना पर राजीव सुरजेवाला जी ने क्यों कमेंट किया? मैं आपसे कह रहा हूं कि रेहाना का ट्वीट या किसी ग्रेटा का ट्वीट या किसी और का ट्वीट, ये भारत सरकार के लिए इंडिविजुअल आदमी करता है, उनको जाकर के आप जो चाहे कीजिए, हम सरकार के साथ में, सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ कोई भी साजिश होगी हम सरकार के साथ में। पर सुरजेवाला जी ने कमेंट क्यों किया, इसका जवाब देके दीजिए ना नवीन जी के सवाल का। सुरजेवाला की निंदा करते हो कि उसने गलत किया सुरजेवाला जी ने? जी मैं बताता हूँ, मैं वो भी जवाब देता हूँ, वो भी जवाब नवीन शांत होकर के सुने। राहुल गांधी जी ने सारी चीजों का जवाब दे दिया, राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, राहुल गांधी जी के बयान के बाद किसी के बयान का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो सुरेंद्र राजपूत हो या हमारे अन्य नेता हो, या कभी भी इस बात का जवाब दिया है कि बयान का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, लेकिन आपके दोस्तों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सुरजेवाला जी मीडिया के सामने कोई बात कहते हैं उसके बाद में दूसरे लग जाते हैं कि राहुल गांधी के बयान और सुरजेवाला जी के बयान क्या बात करते हैं ये लोग? नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आप बता दो फिर दूसरा आदमी माफी मांग ले, आगे देखिए हमारे बात नहीं रखते हो, सुरेंद्र राजपूत आप तो भड़क गए हैं, आप कुछ कर लीजिए, आग नहीं लगनी चाहिए, बात खत्म हो गई। राहुल गांधी जी बहुत ज्ञानी हैं, कुछ कर लीजिए, मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी के बयान सर्वमान्य बयान है और किसान आंदोलन न टूटेगा न टूटने देंगे। आप लोग किसान आंदोलन को अन्नदाता सर्वोपरि है, अन्नदाता की आड़ में अगर देश विरोधी कोई एजेंडा चलेगा, अगर कोई भी देश की शत्रुता से खिलवाड़ करेगा तो भारत में झुक होकर उसका जवाब देगा। ठीक है नवीन जी, आपका, सुरेंद्र राजपूत जी आपका, सतीश जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।